हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कल की बात आज यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एडवांस प्रिडिक्शन भविष्यवाणी आज ही कर देंगे कि कल निफ्टी को किस लेवल्स पे आपको सेल करना है और किस लेवल्स पे बाई करना है। ऑलमोस्ट 339 एपिसोड आप लोग ने बना रहा हूँ जिसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 95% प्लस है। सो गाइस, याद है ना कल आपको क्या लेवल्स पर ठोकने के लिए बोला था? चले स्टार्ट करते हैं। सो ट्यूजडे की बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होगा मुनाफा। मैं फिर बोल रहा हूं 10 दिन कम से कम किंग रिसर्च की कल की बात आज को फॉलो कर लो ना, आपको मैंने पैसा कमाने का मौका दे दिया, आप मुझे बताइएगा। सर दिल से बोल रहा हूं, जबरदस्त लेवल्स आप लोगों के लिए निकाल के देता हूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की दुआओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को क्लियर कट मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था आप खुद देख सकते हो दोस्त। कल एडवांस में प्रिडिक्शन किया था 17370 का लेवल, ओनली थिंग फॉर द ठोको, सेल करने का लेवल है, एडवांस में बोल दिया। आज आपके सामने रिजल्ट प्रूफ, आप ये देखो 21 तारीख मार्केट ऑलमोस्ट इसी जगह पे ओपन हुई और पहला 5 मिनट कैंडल रेड कैंडल, लो के नीचे बिंदास ठोकना था, मार्केट ने थोड़ा डेड कट बाउंस दिया और उसके बाद चल भाई चलते रे डांस करने लगे और मार्केट डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून। अच्छा, और साथ ही साथ बोला था जिसके पास शेयर का जिगर है 270 के नीचे है तो बिंदास ठोकना है, एडवांस में बताया 370 टॉप का लेवल गैप अप खुले वहां तक आए तो ठोकना है, और फ्रेश जिसको सेल करना है 17270 के नीचे सेल करना है। मेरे दोस्त अगर मैं कैलकुलेट 270 से भी करूं ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का लो बनाया, पहला टारगेट 17127 का दिया था, देखो ऑलमोस्ट हमारा पहला टारगेट अचीव और वहां से हल्का सा बाउंस बैक करके मार्केट इसी जगह पे क्लोज हुआ है। 130 पॉइंट्स का गिरावट जहां से फ्रेश लॉयल हार्ट ट्रेडर के लिए बोला था सेल करने के लिए और जिसको एडवांस में बोला था कि भैया ये लेवल मैक्सिमम जाएगा, यही रेजिस्टेंस है, इसके बाद आपको ओनली थिंग फॉर द सेल। अगर वहां से बात करूं तो 200 पॉइंट्स प्लस निफ्टी में, वो भी इंट्राडे। अब बोलो कबड्डी कबड्डी खेलना है, 10 लोगों को फॉलो करना है या सिर्फ और सिर्फ किंग रिसर्च को फॉलो करना है? फ्री में मौका दे रहा हूं 2022 में, 2023 से एवरीथिंग विल बी पेड, तो जितना कमा सकते हो कमाओ और कमाने से पहले सीखने का सोचो। मैं क्यों ये लेवल्स देता हूं, अपने खुद के चार्ट पे ये लेवल्स ड्रॉ करो डेली बेसिस पे, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाओ उस पे एनालिसिस करो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन ट्रेड करने का सोचेंगे। इससे और सिंपल और आसान शब्दों में कुछ हो सकता है? अच्छा, बैंक निफ्टी की बात कर दूं, क्या बोला था बैंक निफ्टी में, अब तक 56 यानी कि 36356 के नीचे ओनली थिंग फॉर द ठोको ठोको एंड ठोको, 356 से मेड अ लो 35935, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में सुबह ही सुबह एक रात पहले एडवांस में बोल दिया। और आज देखो सर काहे को टेंशन लेता है सर, जब तक ये आपका किंग रिसर्च का भाई जिंदा है ना टेंशन ही लो, निफ्टी बैंक निफ्टी कहकर आपको पैसा देगी, आपसे पैसा छीनेगी नहीं, हाँ 100% नहीं बोलूंगा लेकिन 10 में से 9 बार आपको पैसा बना के देगी, एक बार यहाँ लॉस हो सकता है, इसके लिए मैं एडवांस में आपको माफी मांगना चाहूंगा। तो 99% की एक्यूरेसी लेवल के साथ आपको लेवल दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, कोई मार्केट में आपको दे दे फिर मैं बोल रहा हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, देखा डायरेक्ट लेवल्स, थैंक यू। चलिए लाइक दबा देना, आशा करता हूँ आपने लाइक दबा दिया होगा। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स मैं आपको एडवांस बता दूं, सर मैं चार्ट के ऊपर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट लिया है, जिस दिन आप 5000 व्यूज मेरे को दे दो, 5000 लाइक्स मेरे को दे दोगे कल की बात आज में, उस दिन से मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तब तक डायरेक्ट आसान शब्द ले लो, मेरा जो लक्ष्मण रेखा है 370-430 का था, कहा था भैया इस लेवल पे आपको ओनली थिंक फॉर द सेल और मार्केट ने 370 का जो मैंने बताया और उसके बाद 127 का पहला टारगेट, 70 का दूसरा टारगेट एंड ये टारगेट दिया था जो कि अचीव हो गया। अब अगर मैं थोड़ा सा अगर निफ्टी के चार्ट की तरफ लेके जाऊं, एडवांस प्रिडिक्शन दे रहा हूं, एडवांस प्रिडिक्शन दे रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं एडवांस प्रिडिक्शन है, अगर आपको बाइंग करने का सोचना है, अगर आपको बाइंग करने का सोचना है
मेरे दोस्त मेरे मित्र सिर्फ और सिर्फ 17,470 के ऊपर आएगा तो ही बाइंग करने का सोचेंगे, अदरवाइज फिर से मार्केट ऊपर आएगा तो सेल करने का सोचेंगे। ओनली थिंग फॉर द सेल। अब आप पेपर पेन लेके बैठो और इन लेवल्स को नोट कर लेना। क्या बोल रहा हूं, आवर मंत्रा, एनी डिक्लाइन एनी पैनिक ओनली थिंग फॉर द बाय। किस लेवल पे? 16,947 एंड 16,870 का लेवल है जहां पे आपको ओनली थिंग फॉर द बाय। और मैंने क्लियर कट बता रहा हूं, 270 का ओनली फॉर लॉयन हार्ट ट्रेडर, अबव 17,270 बाई एंड सेट रिलैक्स विद टाइट स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट, 17,247 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 17,370 का एंड 430 का 100-150 पॉइंट का ऊपर का टारगेट है। दिस इज आवर बाइंग जोन, ठीक है। और ये अगर मार्केट में कल गैप डाउन खुलता है, अनएक्सपेक्टेड लेवल नीचे खुलता है तो 947-870 पे, क्योंकि सर जियो पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, वॉर का टेंशन चल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दोस्त। अभी कोई फ्रेश लेवल पे बाइंग नहीं करेगा, इन्वेस्टिंग की दुनिया पे भी पैर नहीं रखेगा। अभी सिर्फ मैंने अपने पोर्टफोलियो में 10% एड ऑन किया है, ये मैं आपको आज से नहीं 15-20 दिन से यही चीज चिल्ला रहा हूँ। कोई भी डेड कैट बाउंस में ये मत सोचो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है और आप बाइंग करने के लिए बैठ जाओ। किंग रिसर्च के लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करो, वो लेवल्स एक्टिवेट होगा तो ही बाइंग करेंगे, अदरवाइज बाइंग नहीं करना है। मेरा एक ही मंत्र है, टॉप पे ठोको बॉटम पे बाइंग करो। अभी यही रणनीति है, एक तरफा मार्केट की बात नहीं कर रहा, मुझे एक हेल्दी करेक्शन चाहिए, यहाँ से कम 20-25% का करेक्शन चाहिए, उसके बाद मैं आपको सेकंड लिस्ट जारी करूंगा आपको इन्वेस्टिंग के लिए। उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसा है। आप टेंशन मत लो, कमेंट सेक्शन बताओ आपको क्या चाहिए, किस तरीके के स्टॉक्स चाहिए, कितने का आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आपके लिए पोर्टफोलियो बनाऊंगा। एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाकर दूंगा। सब चीज़ फ्री में दूंगा, किसी को भी एक रुपये नहीं देना है। डन, किसी को भी अपने पोर्टफोलियो के लिए एक रुपये नहीं देना है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टॉक खुद के अकाउंट में जो ट्रेड करा है वो आपसे शेयर करो, जिसमें 200-300% का ROI इजीली मिल सकता है। डन, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल मैंने आपको दोनों को अपडेट कर दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक निफ्टी के लेवल्स की मैं बात कर लूँ, मेरे दोस्त बैंक निफ्टी का लेवल्स क्लियर कट बोला, जो मैंने आपको बताया 356 के नीचे सेल करेंगे, 400 पॉइंट का टारगेट ऑलमोस्ट दे दिया मैंने आपको। इंट्राडे में काफ़ी सारे लोगों ने पैसा कमाया और टेलीग्राम में मेरे को और व्हाट्सएप में मेरे को अपना स्क्रीनशॉट दिया है, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोगों का प्यार मिला, आप लोगों ने अपना एमटीएम मेरे से शेयर किया, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी। अगर आप लोगों को बाकी लोगों को जिन्होंने नहीं दिया है कमेंट, सर हेल्प हो रही है ना, 1% भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। अब ध्यान से समझो, बिलो 35,930 पैनिक स्लाइड अप टू 35,470 एंड 35,357 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। क्लियर, पेपर पेन निकालो, नोट कर लो जो मैं आपको बोल रहा हूं। बिलो 930 टारगेट, ये आपका स्टॉप लॉस एंड दिस इज आपका टारगेट रहने वाला है। पेपर पेन लेके बैठ जाओ, स्क्रीनशॉट लगा लो, कल इन्हीं लेवल्स पे एक्टिवेट होगा, काम करो सर, दिल से बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, हमारी टीम मेहनत करती है आप लोगों के लिए, सो दैट आपको बेस्ट से बेस्ट लेवल्स दे सके और आप मार्केट में पैसा कमा सको। 930 AM स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, अपने पैरों पर खुद खड़े होने की कोशिश करो, सीखो और फिर पैसा बनाओ, उसमें और मजा आता है। फ्री स्ट्रैटेजी है, उल्टा पुल्टा 10,000 का प्रॉफिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे पढ़ा है। नो ब्रेन स्ट्रैटेजी 2,000 रुपये का लॉस है, एक्सेप्ट करके निकल जाओ। 920 AM स्ट्रैटेजी 83,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उल्टा पुल्टा 8,000 रुपये का लॉस प्रॉफिट है। कैमरेला में 28,000 रुपये का प्रॉफिट है। नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी में 7,000 रुपये का आज आपको मैंने प्रॉफिट दिखाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सीखना चाहते हो मेरे साथ लाइव मार्केट में, लाइव ट्रेड करना चाहते हो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, दोपहर को लंच करना चाहते हो, इवनिंग में स्नैक्स मेरे साथ लेना चाहते हो, ब्रंच करना चाहते हो, कम एंड ज्वाइन आवर डेली। सर थोड़ा सा मोटा चार्ज है, लेकिन ओनली फॉर सीरियस ट्रेडर। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग आओ, लेकिन लिमिटेड सीट्स है, आई हैव ओनली वेरी फ्यू सीट्स जो कि सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं। मैं अपना फर्स्ट टाइम रियल सीक्रेट मेथड आपको बताऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का, ऑप्शंस का, इक्विटी का, स्विंग का, स्कैल्पिंग का, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी का, आईपीओ इंट्राडे स्ट्रैटेजी का, जिस दिन लिस्टिंग हो आईपीओ मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, 100 IPO आते हैं उनमें से किन में पैसा लगाए सो दैट वो मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दे सके, 1,000-2,000% का ROI दे सके, वो भी चीज़ मैं अपने सेशन के अंदर फर्स्ट टाइम लेके आने वाला। आर यू रेडी? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सेशन में, इसके बाद कहीं और नहीं मिलेगा, ये भी आपसे वादा है।
ठीक है, तो कम एंड जॉइन अवर डेली और साथ बैठ के ट्रेड करेंगे, जो पूरे दुनिया में आपको लाइव ट्रेड करके कोई नहीं दिखाता। वी आर द ओनली वन पर्सन जो आपको दो दिन के वर्कशॉप के साथ तीसरे दिन साथ में बैठ के किंग रिसर्च और किंग रिसर्च टीम के साथ बैठ के आप लाइव ट्रेड करने वाले। आर यू इन? उस दिन साथ में मिलकर पैसा कमाते हैं। जय हिंद। 2, 3 और 4 अप्रैल को हमारा ये वर्कशॉप है, इमीडिएट बेसिस पे कॉल करके सीट बुक करा लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।